रुख करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुखू सरकार की नाकामियां की गिनवाई है तो वहीं कांग्रेस के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है जयराम ठाकुर। हर मोर्चे पर फेल सुखू सरकार, ये जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का प्रतिक्रिया सामने आया है। सुखू सरकार की नाकामियां गिनवाई है, कांग्रेस के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया है जयराम ठाकुर। हर मोर्चे पर फेल है सुखू सरकार, ये जयराम ठाकुर का कहना है। सुखू सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का प्रतिक्रिया सामने आया है, जिसमें उन्होंने हर मोर्चे पर सुखू सरकार को फेल बताया है। सुखू सरकार की नाकामियां गिनवाई है, कांग्रेस के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि व्यवस्था परिवर्तन के 6 महीने, और उसमें 6 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को क्या तोहफे मिले, किस प्रकार की जनता की आज स्थिति है, इस पर मैं सिर्फ 2-3 बातों को लेकर के अपनी बात कह करके पूरी करूंगा। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुखू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति यह है कि 1000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट आज सरकार के सामने है, और ये परिस्थिति रहती है तो आने वाले समय में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे, ट्रेजरी बंद हो रही है। ये भी पहली बार 6 महीने के इस कार्यकाल में सुखू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की एक मिसाल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, शराब के ठेके खोलने पर जोर दिया है, और एक जगह ऐसी भी परिस्थिति देखने के लिए आई, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी के करीब शराब का ठेका खोला गया, इसको बंद किया जाए, लेकिन सरकार ने आदेश इस प्रकार से कर दिए कि ठेका तो वही रखा, आंगनवाड़ी को बदलने के आदेश कर दिए। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई।